नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र में स्थित लेवल 3 बार में एक नाबालिग छात्रा के साथ दोस्ती के बहाने रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी भूपेंद्र उर्फ अय्या को हिरासत में ले लिया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान हजीरा चौराहे पर स्थित लेवल 3 बार के एक वेटर भूपेंद्र ने पास में ही रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर शादी का वादा करके रेप की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक वेटर भूपेंद्र कोरी जो आबकारी ठेकेदार लल्ला शिवहरे के हजीरा चौराहे पर स्थित लेवल 3 बार में कार्य करता है। छात्रा से बहुत दिनों तक दोस्ती गांठी और जब नाबालिग छात्रा ने उस पर विश्वास कर लिया तो उसने होटल के एक कमरे में ले जाकर नाबालिग के साथ बलात्कार कर दिया। और यही नहीं, आरोपी भूपेंद्र ने छात्रा द्वारा पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। गौरतलब है कि लॉकडाउन में जब सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं लेकिन मुख्य चौराहे पर स्थित लेवल 3 बार अब भी खुला हुआ है, इसका जीता जागता प्रमाण होटल के अंदर रेप की घटना होना है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन होटल मालिक जो अपने रसूख के चलते हर बार बच जाते हैं उन पर अब भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिस कारण पुलिस और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। रामनगर की रहने वाली एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की और शादी के बहाने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की रिपोर्ट आई थी, जिस पर से FIR की गई और बहुत तत्परता दिखाते हुए TI हजीरा आलोक परिहार उनकी टीम ने आरोपी भूपेंद्र उर्फ अय्या की गिरफ्तारी कर ली है और उस सारे साक्ष्य एकत्र करने के बाद उसका चालान पेश किया जाएगा। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया, किन धारा को तहत किया और क्या घटना पूरी रही है? धारा 376, 366 IPC एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। घटनास्थल कहाँ का है? ये घटनास्थल जो पीड़ित बालिका ने की निशादेही पे ज्ञात हुआ है उसके मुताबिक लेवल 3 रेस्टोरेंट के एक कमरे में, जिसमें आरोपी का भाई नौकरी करता था, उस कमरे में उसके साथ बलात्कार किया गया। घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं, उसका मुआयना किया गया है।